प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से भी संबल दिया है और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश को रोजगार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा इसके माध्यम से एक जरिया निकला है, जिसके माध्यम से हमारे नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है और हिमाचल की आर्थिकी में भी उसका सहयोग हुआ है। वर्षों से कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने में बागवानी एक संभावित उद्यम के रूप में उभरा है। वर्तमान में कृषि उत्पादन में बागवानी फसलों की लगभग 33% भागीदारी है, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। हम अगर देखें उस दृष्टि से सेब एकमात्र हिमाचल की इकोनॉमी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है। और विशेष तौर से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, जब इस कोविड का संकट पूरे देश दुनिया में आया, प्रदेश में भी, और जिस के कारण पूरे प्रदेश की आर्थिकी बहुत बड़ी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई, उस वक्त भी सेब के इस उत्पादन ने जितने भी हमारे एप्पल ग्रोअर हैं उनने तो अपने जहां सेब बेच करके अपनी आय को मजबूत किया ही किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जो हिमाचल प्रदेश की उस दृष्टि से सेब के माध्यम से रहती है, उसके कारण पूरे प्रदेश की आर्थिकी को भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है। कृषि बागवानी का रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। इस विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थान नवीनतम ज्ञान एवं तकनीक का विकास करें और यह सुनिश्चित करें कि यह कृषक समुदाय तक पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे यही कहनी है कि जो भी हम रिसर्च करें, जो भी हम काम करें, उससे हमारे किसान को, बागवान को लाभ मिले, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये जानकारी हासिल हुई है कि इस दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अटल इनोवेशन रैंक में विश्वविद्यालय को देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के शीर्ष बैंड ए 6 से 25 रैंक में रखा गया है। इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि सब लोग मेहनत करने के बाद हिमाचल प्रदेश के इस संस्थान को एक अलग पहचान देने के लिए जो काम करते हुए जो सहयोग दिए हैं उनका एक बहुत बड़ा उद्दृष्टि से योगदान रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल है और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करे। विश्वविद्यालय ने प्रदेश के शीतोष्ण क्षेत्र में अपना 4था घटक महाविद्यालय मंडी जिला के थुनार में खोला है, जहां पर बीएससी अध्ययनिकी एवं वानिकी की कक्षाएं चल रही हैं। इस महाविद्यालय को हमारी सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी और हमें पूरा विश्वास है कि महाविद्यालय के खुलने से प्रदेश के छात्रों के अलावा उस क्षेत्र के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। स्थापना से अब तक 7,376 छात्रों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है और वर्तमान में विश्वविद्यालय में 2,627 छात्र विभिन्न डिग्री कार्यक्रम में पढ़ रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में अधिक से अधिक छात्र इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर सके।
विश्वविद्यालय ने कोविड काल में छात्रों और किसान बागवानों के हित के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। ऑनलाइन क्लास एवं परीक्षाएं और नए सत्र में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से की गई है। बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय होने के नाते संस्थान से किसानों को बहुत उम्मीदें रहती हैं। प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना, नए नए अनुसंधान से नवीनतम तकनीकें खोजना और इस ज्ञान का प्रसार किसानों तक करना, किसानों के लिए फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कृषि बागवानी संबंधित तकनीकों पर वीडियो बनाए गए हैं। इन वीडियो की पहुंच करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों तक हो चुकी है और मुझे ये जानकर के प्रसन्नता भी हो रही है कि विश्वविद्यालय ने किसानों की सुविधा के लिए गत वर्ष से रोपण सामग्री की बिक्री की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार की ऐतिहासिक नई शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस नीति को लागू करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लगभग तैयार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस नीति का फायदा छात्रों तक पहुंचेगा और देश में नई शिक्षा क्रांति आएगी। हिमाचल प्रदेश अपनी सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। बागवानी के साथ साथ पर्यटन के का भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका रहती है। बागवानी और पर्यटन को अगर साथ में जोड़ा जाए तो रोजगार के नए अवसर प्रदेश में खुलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कृषि बागवानी आधारित इको टूरिज्म मॉडल स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर विश्वविद्यालय अपने कैंपस को क्लीन व ग्रीन बना रहे हैं। सौर ऊर्जा संचालित रूफटॉप पावर प्लांट द्वारा 640 किलोवाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है तथा छात्रवास के लिए सौर ऊर्जा किचन और बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां की सुविधा सराहनीय है। ठोस कचरा प्रबंधन द्वारा ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान खाद्य प्रसंस्करण की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। हमारे किसान बागवान उच्च गुणवत्ता वाले फल सब्जी आदि का उत्पादन बड़ी मेहनत से करते हैं पर बाजार के उतार चढ़ाव में कभी कभी उन्हें उचित मूल्य न मिलने के कारण निराशा होती है। मैं चाहूंगा कि जो विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षित करवाएं और विकसित तकनीक का प्रसार करें ताकि किसान अपने उत्पादन से अच्छा लाभ अर्जित कर सके। विश्वविद्यालय समकालीन मुद्दों पर अपनी बागवानी एवं वानिकी शिक्षण अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से योगदान दे रहा है। बागवानी फसलों के विभिन्न पहलुओं के अनुसंधान जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की प्रजातियों का क्षमता मूल्यांकन करके बागवानों को उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय एक अहम भूमिका निभा रहा है। सेब की सघन खेती के उत्पादकता में 6 से 7 गुना वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूंगा। विभिन्न वित्त पोषण संस्थाओं द्वारा पोषित 80 से अधिक परियोजनाएं वर्तमान में विश्वविद्यालय में चल रही है और पिछले एक वर्ष में 7.45 करोड़ की और 18 नई परियोजनाएं विश्वविद्यालय को मिली हैं। हमारी सरकार भी विश्वविद्यालय को अनेक परियोजनाएं स्वीकृत कर रही है। विश्व बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी विकास परियोजना एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 25 करोड़ रुपए की संस्थागत विकास योजना में भी हमारी सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। आने वाले समय में इस योजना से स्नातक स्तर की शिक्षा में सुधार होगा और हमारे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा करने और संयुक्त शोध और शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज इस कार्यक्रम
के दौरान हर जिले को जिले के प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत किया गया है। मैं इन किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने ज्ञान और अनुभव का को अन्य किसानों और कृषि बागवानों के छात्रों के साथ साझा करें, ताकि वो भी उनकी तरह सफलता हासिल कर सके। सभी किसानों और मेधावी छात्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 दिसंबर को अपना 11वां दीक्षांत समारोह मना रहे हैं, जिसमें 600 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी विश्वविद्यालय किसानों, बागवानों एवं उद्यमियों के प्रति सेवा के अपने प्रयासों में सफल होगा। हमारी सरकार विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी। और आज के इस अवसर पर मुझे विशेष तौर से यही कहना है कि जहां हम नए अनुसंधान कर रहे हैं और उसके नतीजे हमारे सामने अगर बेहतर आ रहे हैं, उसका लाभ किसानों तक पहुंचे, किसानों को उसके बारे में जानकारी हासिल हो, ताकि अनुसंधान जो आपने किया है उसको अपने खेतों में उसको हम स्थान दे सके, जगह दे सके, वहां पर जमीनी हकीकत के साथ क्या वो हमारा अनुसंधान किया हुआ उसमें सफलता हमको हासिल हुई है, क्या वो जमीनी स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश में उसको जो है उस प्रयोग को हम सफलता उसकी हम देख सकते हैं। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर अभी तक भी काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मुझे 2-3 चीजों को लेकर के और भी जो बात कहनी है, ऐसे किसान जो अपने स्तर पर कहीं और जगह से कोई जानकारी हासिल करने के बाद नए प्रयास करते हैं, नए इनिशिएटिव लेते हैं और उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से उसको सफलता मिलती है, मुझे लगता है कि ऐसे किसानों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उनको सम्मानित भी करना चाहिए और सम्मानित करने के साथ साथ में जो करने की जरूरत है कि अगर उनका वो इनिशिएटिव, उनका जो है जो प्रयास किया गया है उसको आप मानते हैं कि ये सही मायने में सफल है, और सफल है तो उसको लोगों तक, किसानों तक, बागवानों तक पहुंचाने के लिए भी हमको योजना बनानी चाहिए, ताकि और बागवान किसान जो है उसका लाभ ले सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो हमारे इस विश्वविद्यालय के माध्यम से नहीं, कहीं और जगह से टेक्नोलॉजी लेकर के, और जगह से जानकारी लेकर के, और जगह से रिसर्च के माध्यम से उस चीज को हासिल करके इस प्रकार का प्रयत्न प्रयास करते हैं, और उस प्रयास के माध्यम से हमको सफलता हासिल होती है, और जब सफलता हासिल होती है तो मुझे लगता है उसका लाभ हमारे किसानों और बागवानों को मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम किस प्रकार की भूमिका बना सकते हैं। क्योंकि उस आदमी के पास, जिस आदमी ने इस तरह का प्रयास किया होगा, प्रयत्न किया होगा, उसके पास इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होगा, उसके पास ये सुविधा नहीं होगी कि वो अपने स्तर पर उस बात की जानकारी, उस बात का उस प्रयोग के को एक्सपोजर दे करके लोगों तक पहुंचाने में सफल हो पाए। उसमें हम साथी बने, हम सहयोगी बने, और विश्वविद्यालय की बात अगर इस प्रकार से लोगों के बीच में जाती, किसान बागवानों के बीच में जाती है कि ये जो बागवान ने, ये किसान ने ये प्रयत्न किया है, ये सफल हुआ है, ये कामयाब हुआ है, और हम भी मानते हैं कि इसमें हमको आगे बढ़कर के काम करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए, तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो भी एक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे उन किसानों को भी मिल सके जिनको इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा एक चीज मुझे और लगती है जो महत्वपूर्ण है, जो करने की जरूरत है, वो जरूरत है कि रिसर्च करने के बाद हम कई बार इस बात को लेकर के देखते हैं कि जितना हमको फील्ड में जाकर के उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए, उसमें कमी रह जाती है। हम उसी में आनंदित हो जाते हैं, खुशी हो,
खुश हो जाते हैं कि हमने रिसर्च कर ली, सफलता हासिल कर ली और हमारा प्रयोग सफल हो गया। सफलता प्रयोग में मिलने के पश्चात ये आवश्यकता है, सही मायने में सफलता तब मानेंगे हम जब उसके माध्यम से आप लोगों के बीच में जाकर के उस प्रयोग से लोगों को लाभान्वित करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, बागवानों को जोड़ेंगे और जब वो उनको जोड़ने के बाद जो है उसका उनको लाभ मिलता है तो स्वाभाविक रूप से हम तब मानेंगे कि भाई जो आपका जो उस रिसर्च किया हुआ काम वो फलीभूत हुआ। उसके लिए मेरा सबसे विशेष निवेदन है कि उसको आगे बढ़कर के काम करने की जरूरत है। और बाकी सारी चीजों के लिए मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपना विश्वविद्यालय का 37वां स्थापना दिवस आज आप लोग मना रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी टीचर्स को, टीचर्स के साथ साथ में हमारे सारे स्टूडेंट्स को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि अब चीजों को लेकर के हमको उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि जो परंपरागत हमारे पुराने तरीके होते थे जिसमें साल में दो फसलें हम निकालते थे, उससे हट करके हमको कैश क्रॉप का ज्यादा से ज्यादा वो उसका कैसे हम लाभ ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम फसल जो है जिसकी कीमत अच्छी मिले, जिसकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हमारे पास यही एक जिस बात को लेकर के हम अभी मैं बात कह रहा था अपने संबोधन में, जो हमको जो नोट यहां पर दिया गया था उसके माध्यम से कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हो जाती है उनकी मार्केटिंग की हमारे को हमको दिक्कत होती है। क्या हम प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के, और उस प्रोसेसिंग के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं और उसमें से जो चीजें बन सकती हैं उन चीजों के माध्यम से हम अपना काम करें और अपना काम करने के साथ साथ में जो किसानों को और बागवानों को उसकी मार्केट में अगर सही कीमत नहीं मिल रही है, उचित जो है वो कीमत नहीं मिल रही है, उस प्रोसेसिंग के माध्यम से हम उस किसान को लाभ कैसे दे सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें हमको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हम उस दिशा में चले जिससे किसान की, बागवान की आय में बढ़ोतरी हो। और आय में बढ़ोतरी होने के लिए ये जो हमारा एप्पल के इसमें नया प्रोसेस एक चला है, नई एक प्रयास चल रही है जो हम उसमें देख रहे हैं कि 6 से 7 गुना जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है जो मुझे बताया गया है। तो वो जल्दी जो प्लांट्स लगा रहे हैं हम नई इसके साथ, हम नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए संशोधन इसके रिसर्च के साथ, उसमें निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि एक तो फसल बहुत जल्दी आती है उसमें, और फसल जल्दी आने के साथ साथ में उसकी कीमत भी जो है वो सही मायने में जो है कंपैरेटिवली दूसरे जो हमारे सेब जो हम परंपरागत पुरानी पद्धति से लगाते थे जिसकी लगभग 12 साल के बाद वो सैंपल देना शुरू करता है, 12 साल के बाद फिर वो सेब देना शुरू करता है 12-13 सालों के बाद, तो बहुत बड़ा एक गैप ऐसा हो जाता है जिस गैप में किसानों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक सेब के पेड़ को एक तरह का उनको बच्चे की तरह पालना पड़ता है और पाल करके बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद 12-13 साल के बाद वो अपनी फसल देना शुरू करता है। तो इसमें हम जल्दी जो हमारे रिसर्च के माध्यम से जो सारी चीजें आई हैं, जो हम सेब की जो प्लांटेशन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़कर के प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जल्दी और ज्यादा हम क्रॉप भी ले सकें और क्रॉप के माध्यम से उसके बाद हमको जो उसकी आय जो होगी, इनकम होगी, मार्केटिंग में उसको अच्छा रेट मिले, तो उस बात को सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय को बहुत बड़ा एक इजाफा उसमें होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह है कि किसानों और बागवानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर के जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उस पर हमको आगे बढ़कर के काम करना है और आप सब उस काम में लगे भी हैं।
लेकिन व्यवहारिक पक्ष उसमें सोचने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे आप सबसे यही विनम्र निवेदन करना है, एक तो रिसर्च के बाद जमीनी स्तर पर उस चीज को आजमाया जाए और उसके बाद व्यवहारिक रूप से उसके परिणाम हमारे सामने जब आएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसान बागवान उस दिशा में आगे बढ़ करके काम करने की स्थिति में हो पाएगा। और दूसरी मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ये जो प्रोसेसिंग वाला, इसको हम और ज्यादा बेहतर करें। मुझे लगता है कि ये किसानों का बहुत सारा बहुत सारे जो हमारे, चाहे वो सेब की बात करें, चाहे हम टमाटर की बात करें, चाहे हम दूसरे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जितने भी हमारे होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट हम बना करके तैयार करें, वो भी मुझे लगता है कि हमारे किसानों और बागवानों के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। जब मार्केट में उनको ठीक रेट नहीं मिल पा रहे हैं तो प्रोसेसिंग पर हमको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो यही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है आप सबके बीच में, और एक बार फिर से आपको आज स्थापना दिवस के अवसर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वाभाविक रूप से हमारे इस विश्वविद्यालय ने एक नया जो है वो एक आयाम जो स्थापित किया है, अपनी रैंकिंग भी पूरे देश के अंदर बेहतर की है, और ज्यादा बेहतर हो और बेहतर काम कर सके हम, उस दृष्टि से आगे बढ़कर के आप सब लोग काम करें और बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश रहती है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोग इस तरह से जो मेहनत कर रहे हैं तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर हमारे परिणाम आने वाले समय में आएंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत